मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती मेनका गांधी, श्रीमती कृष्णा राज, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर से गीता जी, सचिव श्रीमती लीना नायर जी, उपस्थित सभी महानुभाव और पुरस्कार प्राप्त सभी वीर बालक, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग थक नहीं गए? इतने दिन से लगातार थक गए, इधर जाओ उधर जाओ, वो फोटो निकालता है वो फोटो निकलता है, हैं सब दूर आपको घुमा रहे हैं ना, थक गए होंगे, थोड़े तो थके होंगे, हैं? हाँ लग रहा है। जो नागालैंड में खाना मिलता होगा नहीं मिलता होगा, हैं? जो कर्नाटक में मिलता होगा वो नहीं मिलता होगा। अच्छा, आप लोग इतने दिन से साथ में हो, आप में से कोई है जो सबके नाम बता दे, ये सभी जो जिनको पुरस्कार मिला है, आपने इन बालकों में कोई है जो सबके नाम बता दे, जितने आप लोग इतने एक सप्ताह से साथ घूम रहे हो सबके बता दोगे? हाँ बच्चों का, बच्चों का बता दो। ठीक है ठीक है, बैठिए बैठे बैठे। देखिए, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि ऐसा मौका था कि आप पूरे हिंदुस्तान में अपने दोस्त बना लेते, उनको इतना बारीकी से जान लेते कि मणिपुर से आए हैं कौन है, ये मेघालय से आए हुए कौन है, वहां लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, घर कैसे होते हैं। तो ये अवसर आपके लिए एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को जानने समझने का एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता। आपको ये तो मालूम होगा कि किसने कौन सा पराक्रम किया था, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार सुनते रहते होंगे आप, हर कार्यक्रम में ले जाते होंगे तो वही बताया जाता होगा। लेकिन आपको साथ रहने के बाद भी अपने सभी साथियों का, और ये नाम याद आज नहीं रखना चाहिए, आज से 50 साल के बाद भी याद रहना चाहिए कि हम लोग 5-7 दिन साथ में रहे थे, उस इलाके से वो बच्चा आया था, वो बालक आया था, उसने ऐसा किया था। और कभी आपका भी उस प्रदेश में जाना हो जाए तो खोजना चाहिए कि भाई वो बालक मेरे साथ था, जरा मिलू आए कहीं मिले, तो कितना अच्छा आपका बाइंडिंग हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सपना अगर पूरा करना है तो हमें सहज रूप से हमारे देश के हर कोने को जानना, लोगों को समझना, और ये सहज रूप से होना चाहिए। और इसके लिए कोई क्लासरूम में टीचर पढ़ाए तब होगा, ऐसा थोड़ा होगा। अच्छा, आप में से मैं एक और चीज पूछता हूं, बताएंगे? आपकी राइट साइड में जो बैठा है उसके अंदर आपने 7 दिन में ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी, कौन सा गुण देखा कि आप कह सकते हैं हाँ ये है, इसमें ये क्वालिटी है, आपके राइट साइड में जो है उनके विषय में बता सकते हैं? तो
वाह। और कोई? हाँ बताइए। फिर ये भाई और बहन दोनों एक दूसरे के क्वालिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि बाहर हो जाके झगड़ा हो जाएगा कि तुमने मेरी ये क्वालिटी है वो नहीं बताई, दूसरी बताएगी। है रक्षित, ऐसे ही होगा ना? ऐसा नहीं होगा? कौन, बहन के लिए बताओगे? हाँ। अभी घर पहुंचता है ना? अच्छा, खुद के विषय में कोई बता सकता है कि मेरे में ये विशेषता है, अपने स्वयं के विषय में बता सकते हैं? हाँ बताइए। और पांडित जी तो लीडर लगते हैं। जी हाँ देखिए, मैंने ये बातें आप लोगों से इसलिए की कि आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपने जो पराक्रम किया उस पर कुछ लोगों का ध्यान गया और उसका नतीजा ये हुआ कि चर्चा होते 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 अखबारों में आया होगा, लोग भी मिले होंगे, आपके स्कूल में आपकी वाहवाही हुई होगी। आज यहाँ पर भी पिछले 5-7 दिन से लगातार टीवी वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी तस्वीर दिखाते हैं, आपके मम्मी पापा भी बड़े खुश होते होंगे, देखो तुम्हारे कारण हमारा भी नाम रोशन हो रहा है। एक ऐसी पल थी जिसको आपने जी लिया, एक ऐसी घटना आपके सामने घट गई और आपने उस घटना को अपनी बना लिया, और वो पल थी जिसने आपने जो वो पल चली जाती तो शायद उस घटना आपके जीवन का हिस्सा ना होती, और इसलिए एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप में कितना साहस है उससे ज्यादा आप में कितनी बड़ी निर्णय शक्ति है। आपने प्लस माइनस यस नो बाएं दाएं सब जो कुछ भी था एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में देख लिया, तय कर लिया और अपने शरीर से एक्ट भी कर लिया। उसका नतीजा हुआ कि किसी जिंदगी बच गई। आप भी शायद अब तंग आ गए होंगे कि भाई उस दिन हो गया, ठीक है हो गया, अब क्या बार बार मुझे यही सब लोग पूछते रहते हैं।
लेकिन लोग तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप दूसरा पराक्रम नहीं करोगे। और पराक्रम का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही पराक्रम किया जाए, फिर आपको हर बात तो तालाब के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई डूब रहा है क्या, फिर छलांग लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। जीवन को कुछ मकसद के लिए जीना। आज 23 जनवरी क्या है मालूम है? मालूम है बच्चों को मालूम है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। हम लोगों ने एक आदत डालनी चाहिए, ये शोहरत मिल जाती है, अखबार की कटिंग भी रखोगे आप लोग, ले जाओगे साथ में, रखे रखोगे, 2 साल के बाद भी किसी को दिखाओगे, लेकिन इसको शुरुआत मानना चाहिए। ये मंजिल नहीं है, इसने आपके लिए एक मार्ग खोल दिया है। एक छोटा सा बीज होता है, उसका सद्भाग्य है कि कोई उसको जमीन में गाड़ता है, लेकिन वो तब तक फलता फूलता नहीं है जब तक इसको पानी वगैरह उपलब्ध न हो। अब आपके जीवन में इस घटना ने एक इतनी बड़ी ताकत दी है, अवसर दिया है, हर किसी का आपको ध्यान जाने वाला है, अगर आप उसको अपने प्रयत्नों से पानी नहीं सींचोगे, परिश्रम से पसीना बहान करके नहीं सींचोगे, तो जो अंकुर पैदा हुआ है जीवन के बिल्कुल प्रारंभिक काल में वो मुरझा जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का शौक मन करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ने का इतना शौक होता है कि कहीं ट्रैवलिंग करते हो और रोड के बाजू में कहीं पकौड़ा खाने के लिए खड़े हो गए और अखबार के टुकड़े में किसी ने पकौड़े दे दिए, तो पकौड़े खाते खाते भी अखबार पढ़ते रहते हैं, वो न्यूज़ नहीं होता है, वो तो पुराना अखबार है, लेकिन आदत है उसकी, कहीं पर भी लिखा हुआ देखा नहीं कि उसका मन में ही लग जाता है, फिर वो पकौड़े का टेस्ट बाजू में चला जाता है, वो पढ़ता रहता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी आदत विकसित कर सकते हैं क्या? और अगर आपके जीवन में ये एक अवसर आया है पराक्रम का, क्या आप सर्वाधिक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवन चरित्र, ये जितना ज्यादा हो सके अभी पढ़ना चाहिए। छोटे बालक छोटी किताब, 10 पेज की किताब भी आती है, बड़े बड़े अक्षरों वाली किताब आती है, उसको पढ़े। चित्र वार्ताएं आती है वीर बालकों की, वीर पुरुषों की, महापुरुषों की, खिलाड़ियों की, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमने पराक्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, लोग पहचानने लगे हैं, स्कूल में सब पहचानने लगे हैं, अब उसको सींच करके जीवन को एक मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। आप पराक्रम करते होंगे लेकिन खेलकूद में हिस्सा नहीं लेते होंगे। पराक्रम एक आपकी मन की अवस्था से उसके कारण पराक्रम हुआ, वो शरीर की अवस्था के कारण पराक्रम नहीं होते। एक मन की अवस्था होती है, भीतर की मन की ताकत होती है जो पराक्रम कराती है।
सामर्थ्यवान शरीर अच्छी मदद करता है, सामर्थ्यवान नहीं तो कम मदद करता है, लेकिन निर्णय मन करता है। और ये मन की मजबूती के लिए हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए, उसको ट्रेन किया जा सकता है। अगर ये हमने कोशिश की, अगर जैसे आप लोगों ने तय किया होता भी मेरे सब साथियों को भली भांति जान लूंगा, अभी तो आप लोग अभी भी 3-4 दिन साथ साथ रहने वाले हो, इतना कर जरूर कर लीजिए, सबके नाम आने चाहिए आपको, उनके विषय में आना चाहिए, उनके माता पिता क्या करते हैं वो आना चाहिए, किस गांव के हैं, वो गांव कैसा है, इतना तो जरूर 3-4 दिन में अपने साथियों से आप जान लीजिए। आप देखिए एक नई अनुभूति होगी, पिछले 7 दिन कैसे गए और आने वाले 4 दिन कैसे जाते, बड़ा फर्क बदलाव महसूस होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप अपने दायरे में जो सिमट गए हैं उससे खुल करके आपने अपना दायरा बढ़ाया है। वरना दिन रात मैंने ये किया था, मैंने ऐसे बचाया था, मैंने ऐसे किया था, इसी में लगे रहे। अब औरों ने भी कुछ किया है, क्या किया है जरा जानो तो, समझो तो, वो आपके विकास के लिए बहुत काम आएगा। अच्छी तरह बारीकी से चीजों का निरीक्षण करना, उसमें से कुछ सीखने का प्रयास करना, देखना भाई ऐसा ही क्यों किया होगा, कुछ तो कारण होगा, जरूर कुछ कारण होगा, ऐसा मन में हर बार सवाल उठने चाहिए और मन ही सवालों के जवाब खोजते रहना चाहिए। तो आप देखिए, आप ही अपने टीचर बन जाएंगे, आप ही अपने गाइड बन जाएंगे, आप ही अपने मेंटर बन जाएंगे, अगर आप अपने आप से जुड़ोगे और परिस्थिति को भली भांति ऑब्जर्व करने की आदत डालोगे। आप देखिए जीवन कहीं से कहां पहुंचा सकते आप लोग। तो कहीं ये शौहरत, ये प्रसिद्धि आपके जीवन में रुकावट न बननी चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा संकट बन जाता है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर बालक की तरह बालक बन जाना, इस बढ़िया कपड़ों के बीच में बालक हमारा खो नहीं जाना चाहिए, उस बालक मन को जितनी ऊर्जा मिले ऊर्जा देते रहना चाहिए, उसको विकसित होने देना चाहिए। और ये जो विस्तार है, वो जो विकास है, जो ऊंचाई है, जो गहराई है, वो आपको नई नई चीजों को अपनी बनाने की ताकत देती है। तो आपने पराक्रम किया है, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़िए, जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। और सफलता कोई एक मुकाम पे नहीं होती है, हर डगर पे सफलता होती है, तब जाकर के मुकाम वाली सफलता हासिल होती है। और उसको करते रहेंगे तो जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। मैं आपको तो बधाई देता हूं, साथ साथ आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं जिन्होंने आपको ये शिक्षा दीक्षा दी, आपका लालन पालन उस प्रकार से किया कि जिसमें से कारण ये आपके जीवन में संभव हुआ। आपके शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिसमें से आप में समाज के प्रति, अन्य के प्रति कुछ करने की संवेदनाएं प्रकट हुई, और वही संवेदना है जो साहस में परिवर्तित हुई। तो इस आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोगों ने आपके जीवन को बनाने में प्रयास किया है, वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।